महाराष्ट्र के ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान पर जहां राजनीति गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य अपने बयान पर कायम बने हुए हैं। शंकराचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि राजनीति के लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें, हम भी राजनीति में बोलना बंद कर देंगे। एक अन्य वीडियो में शंकराचार्य ने कहा है कि हमसे बड़े नरेंद्र मोदी का कोई हितैषी नहीं है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के बाद आशीर्वाद देने के लिए मुंबई गए थे। अपने इस प्रवास में शंकराचार्य बुलावे पर राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर भी गए थे। मातोश्री में ठाकरे परिवार के पास रुकने के बाद ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, हिंदू धर्म में यह सबसे बड़ा पाप है, इससे बहुत लोगों के मन में पीड़ा है, उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर यह पीड़ा दूर होगी। उद्धव ठाकरे के फिर सीएम बनने पर पीड़ा दूर होने वाले बयान पर शंकराचार्य की काफी आलोचना हुई थी। सोशल मीडिया पर काफी टिप्पणियां सामने आई हैं। हम सन्यासी हैं, पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही, एकदम सही है, हम इस सिद्धांत के हैं, लेकिन पॉलिटिकल वाले को भी तो धर्म के मामले में नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। राजनीतिज्ञ लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें, हम गारंटी दे रहे हैं कि हम राजनीति में बोलना बंद कर देंगे। जो राजनीतिज्ञ हैं, क्या उनके जीवन में अगर जो धर्म है उसका पालन उनको नहीं करना चाहिए? क्या हमको एक धर्माचारी के रूप में किसी को सच्चा हिंदू तो नहीं बताना चाहिए? हमने कोई राजनीति की बात नहीं कही, हमने धर्म की बात कही है। क्यों? क्योंकि केवल हम हिंदू हैं कह देने से नहीं होगा। 22 सन्यासी हैं, पॉलिटिकल बयान ये आप कह रहे हो ना, ये देखिए, हम सन्यासी हैं, पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही, एकदम सही है, हम इस सिद्धांत के हैं, लेकिन पॉलिटिकल वाले को भी तो धर्म के मामले में नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल वाला धर्म के मामले में आगे बढ़े, आप लोग उसका समर्थन करो। मोदी जी अगर मंदिर में आके धर्म स्थापना करने लगे तो आप लोग उसको एकदम लाइव दिखाओ, और अगर शंकराचार्य मंदिर के बारे में, धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो आप कहो कि सन्यासी को नहीं करना चाहिए। राजनीतिज्ञ लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें, हम गारंटी दे रहे हैं कि हम राजनीति में बोलना बंद कर देंगे, लेकिन आप हमारे धर्म में निरंतर हस्तक्षेप करते चले जा रहे हो और हम धर्म के बारे में ना बोलें। अच्छा, जो राजनीतिज्ञ हैं, क्या उनके जीवन में अगर जो धर्म है उसका पालन उनको नहीं करना चाहिए? क्या हमको एक धर्माचारी के रूप में किसी को सच्चा हिंदू तो नहीं बताना चाहिए? क्या हमको विश्वासघात जैसा जो पाप है उसके बारे में लोगों को, जनता को सचेत नहीं करो तो तुमको किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए? ये बात हमको नहीं कहनी चाहिए। हमने कोई राजनीति की बात नहीं कही, हमने धर्म की बात कही है। क्यों? क्योंकि केवल हम हिंदू हैं कह देने से नहीं होगा। जब हम धर्म के मर्म को जानेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तभी हम हिंदू होंगे। तो धार्मिकता अपने सच्चे स्वरूप में लोगों के जीवन में प्रतिष्ठित हो, उसकी व्याख्या समय समय पर अगर धर्माचार्य नहीं करेगा तो धर्माचार्य अपना कार्य नहीं कर रहा है, यह माना जाएगा। इसलिए जहाँ जैसा मौका होता है वहाँ हम धर्म की व्याख्या करते हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजनीतिज्ञ को भी अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, विश्वासघात जैसा कार्य नहीं करना चाहिए। समझ गए कि नहीं? ये कहा गया है, मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः त्रयस्ते नरकं यान्ति यावदाभूत संप्लवम्। मित्र का द्रोह करना, किसी ने आपके ऊपर उपकार किया है उसको भुला देना, और विश्वास का घात करना, ये जो तीन लोग हैं ये जब तक प्रलय नहीं हो जाता है तब तक के लिए नरक में धकेल दिए जाते हैं। तो ये बात हम हिंदू को ना बताएं कि विश्वासघाती मत बनो, क्यों ना बना बताएं, हमारा अधिकार है, कर्तव्य है। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।